इस वीडियो में बताएंगे कि माउस पे हमारी पावर आ रही है लेकिन माउस कर्सर काम नहीं कर रहा है, यानी पीसी में हमारा कर्सर हिल नहीं रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले माउस को खोलेंगे, उसका पीसी भी निकालेंगे, ठीक है, और वायर को चेक करेंगे कि वायर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको बारी बारी से बजरे इसको बजरे पे लगाएंगे, ठीक है, और इसको चेक करेंगे लगाना ज़रा कि हमारा कोई वायर ख़राब नहीं है। चेक किया, इसको पहली लाइन पे लगाया हमने, तो पहले चार लाइन लगी हुई है, ये वायर सही है हमारा। इसके बाद सेकेंड लाइन में लगाएंगे उसी में, ठीक है, ये से भी आ रही है। इसके बाद थर्ड लाइन पे लगाएंगे, सही से लगा, सही से लगा, सही से लगा, थर्ड पे लगा, थर्ड पे ये भी सही है हमारी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे लगाएंगे, ये भी सही है हमारी, ठीक है, यानी ये वायर तुम्हारा ठीक है। अगर मान लो इस पर बीप ना आ रही होती वायर पे, तो यानी इसमें कोई वायर हमारा ख़राब था, उसको रिप्लेस करते वायर को, लेकिन ये हमारा वायर हमारा ठीक है, ठीक है। तो फिर भी एक बार इसको काट के, ठीक है, काट के दोबारा जॉइंट कर लेना, ठीक है। अगर इसको काट के यहाँ ज्वाइंट कर लिया, अगर माउस चल जा रहा है, कर्सर अगर चल रहा है आपका, तो ठीक है, नहीं फिर जो लेंस ही लगा होता है, ये लेंस, ठीक है, ये देखो इसके अंदर ये लेंस लगा हुआ है, इसको कभी हाथ से साफ मत करना, ठीक है, किसी कॉटन वगैरह से साफ कर लेना इसको, ठीक है। कभी अगर इसमें गंदगी बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। इसको साफ कर लिया, तब भी कर्सर नहीं हिल रहा है, तो ये जो तुम्हारी मेन जो होती है आईसी, यहाँ से एलईडी जलती है, तो इससे जो रोशनी लाइट निकलती है, वो ये आईसी सेंस करती है। इस पर हमने ये लगाया, ठीक है, थोड़ा पास करो, ठीक है, इसको हमने ये लगा दिया। अब उसके बाद जैसे ये इसको पावर देंगे माउस को, तो उसमें लाइट जलेगी, तो लाइट जो रिफ्लेक्शन है वो इस पर पड़ता है, तब जाके अगर माउस इधर करते हैं तो ये सेंस करती है ऐसी कि ये हमने लेफ्ट किया, तो कर्सर को भी हमें लेफ्ट लेफ्ट घुमाना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो मान लो अगर तुम्हारा पूरा हमने इसको चेक कर लिया, ये सब चेक कर लिया, नहीं चल रहा माउस, नहीं हमारा घूम रहा है, तो फिर तुम्हारी आईसी की फॉल्ट है, तो आईसी को रिप्लेस करोगे, ठीक है।